Good morning, students. Today, I have selected a topic that uses of modal auxiliaries for you. Subject English class 10. Today, we would discuss about two modal auxiliaries, can and could. Students, आज हम can और could के बारे में पढ़ेंगे. ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज का यहाँ पे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता है, तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि इस लेसन को वॉच करने के बाद आप आराम के साथ जो भी डिफिकल्टी है वो क्लियर कर सकते हो. सबसे पहले कैन की जब हम बात करते हैं तो ये एज एबिलिटी इस्तेमाल होता है, जैसे ही कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस. ये एबिलिटी है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ही कैन ड्राइव अ कार, ये भी एबिलिटी है. कैन यू ड्राइव अ कार, ये भी एबिलिटी है. कैन से इसको दिखाते हैं. परमिशन के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर पेन. तो आपने देखा है कि परमिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तीसरा है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट में कैन यू मेक अ लिटिल लेस नॉइज प्लीज, I am trying to work. Can you make a little less noise, please? I am trying to work. तो ये request के लिए भी आपने इसको इस्तेमाल किया है. इसके बाद है possibility. You can get stamps from the local news agent. तो यहाँ पे एक possibility है कि आप local news agent से stamps खरीद सकते हो. You can get there. तो यहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसमें भी road can be blocked. Possibility है ना, can possibility यहाँ पे आई है. इसके बाद ऑफर. कैन आई हेल्प यू विद दोज बैग्स, ये एक इंसान ऑफर करता है दूसरे को. कैन आई हेल्प यू, मैं कहूंगा आपसे, अगर मैं कहूंगा स्टूडेंट्स कैन आई हेल्प यू विद दोज बैग्स, लड़के के पास बहुत सारे बैग्स हैं, मैं अपने आप को ऑफर करूंगा. इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम कुड पे आते हैं. कैन को हमने देखा है कि कैन इस्तेमाल होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, जबकि कुड पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर. यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले पास्ट की जो एबिलिटी है हम कुड से दिखाते हैं. जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, जब मैं यंग था तो किसी भी जब कोई भी मतलब दरख्त तो उस पे मैं चढ़ सकता था. व्हेन आई वाज यंग, ये एक जनरल एबिलिटी यहाँ पे कुड दिखाता है. व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट. इसके बाद दूसरा है परमिशन. कुड आई स्मोक इन हियर, कुड आई स्मोक इन हियर. स्टूडेंट्स देखा है कैन से भी हमने परमिशन लिया है, वहां पे यहाँ पर भी हमने परमिशन लिया है, लेकिन यहाँ का परमिशन थोड़ा पोलाइट है एज कंपेयर टू कैन. इसके बाद पॉसिबिलिटी है, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है. मैंने वहां पर भी आपको दिखाया है कि पॉसिबिलिटी कौन से हम दिखाते हैं, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कुड ने दिखाई है. इसके बाद एबिलिटी इन अनरियल कंडीशन, इफ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय अ कार, इफ वी हैड मोर मनी. तो यहाँ पे एक कंडीशन है, तो हम हमारे पास ज्यादा मनी होगा, ज्यादा पैसे होंगे, तो वी कुड बाय कार, एक कंडीशन है. इसके बाद प्रेजेंट मीनिंग के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस पर एक कंडीशन है. जैसे कुड ही गेट अनदर जॉब, कुड ही गेट अनदर जॉब. यहाँ पे एक सिचुएशन है कि ही गेट अनदर जॉब, तो वो एक कंडीशन है. अगर वो एक जॉब मिलेगा दूसरी जॉब उसको मिलेगा, या कभी कभी आप मतलब किसी घर में बिजनेस होता है, ठीक है, तो बाप बिजनेस करने के लायक नहीं होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कुड यू रन बिजनेस बाय योर सेल्फ, कि खुदा ना खास आप इस कंडीशन में नहीं होगा. तो एक कंडीशन है कुड यू रन बिजनेस बाय योर सेल्फ, या कुड यू गेट अनदर जॉब. इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा है कैन को हमने इस्तेमाल किया है, कुड को हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे पास बी एबल टू एक वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू कम टू योर पार्टी. आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि वोंट जो है ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, वोंट बी एबल टू कम टू योर पार्टी. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि बी एबल टू को हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है. अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह लूंगा, आई एम ऑफरेड आई वोंट कैन कम टू योर पार्टी, यहाँ पे वोंट कैन के बाद मैंने कैन का इस्तेमाल किया है.
और स्टूडेंट जो आप नोट ट्रेन करोगे ये इनकरेक्ट है, इसलिए वो आपने एक मोनो ऑक्सीजरी को वहां पे लिया है, इसके बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो पेन, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स हमने देखा है, मैंने अभी पुट में मैंने पास्ट एबिलिटी की बात की, तो पास्ट एबिलिटी मैंने कहा कि आप पुट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे दो एबिलिटीज है, एक है जनरल एबिलिटी और दूसरा स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी है जब आप जनरल एबिलिटी की बात करते हो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री इन फॉरेस्ट, ये एक जनरल एबिलिटी है, तो हमने कुड का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दिखानी हो, पर्टिकुलर इवेंट दिखाना हो, उसमें एबिलिटी दिखानी हो, बी एबिलिटी इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हो। ऑल्दो द पायलट वाज बैडली हर्ट, तो एक सिचुएशन है प्लेन क्रैश हुआ है, पायलट जख्मी है, तो एक सिचुएशन है पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन उसकी एबिलिटी ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन वॉट हैड हैपनड, तो उसकी एबिलिटी थी, एक पॉइंट की एबिलिटी थी, तो उसने यहाँ पे आपने क्या यूज किया, हमने यूज किया ही वॉज एबल, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एबल इस्तेमाल किया है, और जनरल एबिलिटी के लिए आप कुछ का इस्तेमाल कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स जब भी आप जनरल एबिलिटी दिखाओगे, When I was young, I could walk 10 miles a day. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पर्टिकुलर को देखोगे, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे be able to. Students, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा ये और क्लियर होगा कि जनरल के लिए आप कुछ का इस्तेमाल करोगे, स्पेसिफिक के लिए आप be able to का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल किया, अगर आप इन दो सिचुएशंस को नेगेटिव सिचुएशंस में कन्वर्ट करोगे, तो कुड की जगह आप कुडंट का इस्तेमाल करोगे और बी एबल की जगह आप कुडंट का इस्तेमाल करोगे। स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने बोला है कि अगर आपको कुड की जगह नेगेटिव सिचुएशन यानी कुडंट, बी एबल की जगह नेगेटिव, यहां पर भी आप इस्तेमाल करते हो एक सिचुएशन में या दोनों में, तो कुडंट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, चाहे आप जनरल एबिलिटी हो या आप पर्टिकुलर एबिलिटी हो। जैसे व्हेन आई वाज यंग I couldn't climb any tree in the forest. Correct. Although the pilot was badly hurt, he couldn't explain what had happened. यहाँ पे आपने देखा है, दोनों situations में, general ability में भी आप couldn't आएगा और particular situation में भी आप couldn't आएगा। Hopefully कि आपने इसको अच्छे से अब लिया है। बहुत ही easy है, तो आप इनको आराम से साथ कर सकते हो। अब at the end मैंने इस आपके लिए रखा है। जैसे he does speak four languages. Can put, I had a visa, so I crossed the frontier. Can could, we dash dash bring our dog in the restaurant. Can couldn't, penguins dash dash swim very well. Can could, he dash dash speak English, but he can't write very well. Can could, dash dash, you do me a favor. तो स्टूडेंट्स आप आराम के साथ इन चीजों को कर सकते हो कि जो भी आपने अभी देखा है, कि जो भी प्रॉब्लम वहां पे है, कि जैसे आपने कुछ सिमिलरिटीज पाई है, जैसे आपने रिक्वेस्ट के लिए कैन को भी इस्तेमाल किया है, कुड को भी इस्तेमाल किया है, तो यूजुअली जो यूसेज में है कि लोग क्या इस्तेमाल करते हैं नेटिव स्पीकर्स, वो ज्यादातर कुड यू इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैन। कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू लेंड मी रुपीस 5000, Could you show me the way? More usually people are using it. Students, I hope that you have understood the lesson very well. कि मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर से लिया है। आप थोड़ा वॉच करके एक दो बार इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। Thanks a lot. Thanks for.